हाँ जी सत श्रीकाल सारिआं नूं दोस्तों स्वागत है तुहाडा तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल वेटरनस अकैडमी दे उपर। दोस्तों अज तो जो सब इंस्पैक्टर जिन्हें भी साढ़े पंजाब के सब इंस्पैक्टर लगना चाहते हैं मुंडे उन्होंने वास्ते बहुत ज़्यादा एक खुशी की जी है वो खबर आई है। ठीक है तुम मेरे पीछे जो साढ़े पुराने अचीवर है उन्होंने देख सकते हो तो थोड़े भी आई तुम भी वर्दी पाओगे तो थोड़े भी स्टार लगे होंगे। तो अज की जी वीडियो है स्पैशली उस रिगार्डिंग है कि जो नवा एक नोटिस आया है कि जो तो जो बच्चे पुराने बच्चों ने पेपर भरया से उन्होंने की बनेगा नवे बच्चे किवें अप्लाई कर सकते हैं पूरी पूरी डिटेल इस वीडियो के आप समझा कि क्राइटेरियाज नवे ने। ठीक है दोस्तों सब तो पहली चीज़ जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है वो की है जी कि नोटिफिकेशन दी है कि डेट ऑफ जरा मोड ऑफ एग्जाम होगा वो ऑफलाइन होगा। तो सब तो वड्डी गल जी पिछली बार से जो पेपर से ऑनलाइन से तो इस बार जो अपना पेपर होगा वो ऑफलाइन मोड के होगा। दूसरी चीज़ जी एज थोड़ी मंगी गई है वह 18 तो लैके 28 साल बट ध्यान रखो ये 2022 नहीं है ये कद मंगी गई है एज ऑन 1 जनवरी 2021 मतलब तुसी जे इस पिछले नहीं अप्लाई किया अप्लाई तो कर पाओगे सुन मैं थोड़ी डिटेल दसूँगा बट जो थोड़ी एज है वह 18 तो 28 साल होनी चाहिए कद 2021 तक होनी चाहिए एक सब्जेक्ट। ठीक है जी लास्ट फॉर्म फिल करने की है जी 30 अगस्त 2022 तक है अज शाम को स्टार्ट हो जाएगा। तो जो टेंटेटिव एग्जाम है वो दसिया ना नहीं कि सितंबर या अक्टूबर में होएगा मतलब ये उम्मीद है कि सितंबर तो लेकर अक्टूबर तक एग्जाम हो जाएगा। ठीक है उस तो बाद नेक्स्ट जो है हुण मेरी गल बहुत ध्यान से सुनिए मैं पहले तो उन्होंने बच्चों बारे गल करूँगा जिन्होंने पहला अप्लाई किया होया है फिर गल करा जिन्होंने नवा अप्लाई करना है या जिन्होंने कोई चेंजेस करनी है। तो तीन तरह के बच्चे हैं जिन्होंने पहला अप्लाई किया होया कोई चेंजेस नहीं करने चाहते दूजे वो बच्चे अप्लाई किया हुआ बट दे वॉन्ट टू डू सम चेंजेस तीजे वो बच्चे जिन्होंने फ्रैश अप्लाई करना था। पहला देखो जो लिखे इन्होंने कि जिन्हें भी सारे होर जिले कर जिन्हें भी एप्लीकेंट है जेडे कोई भी सोध नहीं करना चाहते जेडे कोई भी चेंजेस अपने फॉर्म के नहीं करना चाहते उन्होंने कुछ नहीं करना उन्होंने दोबारा एडमिट कार्ड आएगा तो सोनू जरा है वह सूचित कर दिया जाऊगा कि जी तुम अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो वो बच्चे जिन्होंने पिछले साल अप्लाई किया नवी कोई भी चेंज नहीं करना चाहते उन्होंने कुछ भी करने की लोड़ नहीं है ये उस चीज़ बारे लिखा हुआ है। ठीक है जी कि सारे उम्मीदवार को परीक्षा देने लिए दाखला कार्ड जारी कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज हुण इस तो अलावा देखो इस तो अलावा जेकर उम्मीदवार जिन्होंने पहला अप्लाई किया होया बट वह पहला दे विच कोई सोध करना चाहते हैं यह सर सू धुंधला दिखे। ठीक है बट मैं यही पूरी की पूरी ओरिजिनल ही पाई है मैं ताही आपका एक पाई ताकि कोई डाउट न रहे वह कोई भी जो कैंडीडेट है उन्होंने नवी फीस करनी पेगी। तो यह ध्यान अगर सुनने लिया है कि जे तुम कोई चेंजिस करना चाहते हो तो सू न्यू फीस नाल न्यू फॉर्म भरना पेगा न्यू फीस ना तुसीं उहदा न्यू फॉर्म भरो तो फिर जो सा न्यू फॉर्म है इनवैलिड मनिया जाएगा तो जो सा ओल्ड फॉर्म सीगा उन्होंने खत्म कर दिया जाएगा। तो जे तुसीं मान लो कोई कैटेगरी चेंज हुई है कोई EWS तो जनरल जनरल तो EWS कोई स्पोर्ट्स कोई भी सा कुछ चेंजिस हैगी हैं तो यू कैन अपलाई इट अगेन। ठीक है बट यू हैव टू गिव द न्यू फीस नवी फीस है तो नवा ही फॉर्म भरया जाएगा। नैक्सट चीज हुण देखो इन्होंने लिखा कि होर जो चाहवान ने जिन्होंने कंप्यूटर बेस्ड पिछले बारी अप्लाई नहीं करता तो हुण तुसी दोबारा अप्लाई करना चाहते हो तो तुसी अप्लाई कर सकते हो बट वो कहते कि जो जो असी मिति 6 जुलाई 2021 जो मंगिया से क्वालिफिकेशन सानू वही चाहिए मतलब जो क्वालिफिकेशन जो क्राइटीरिया 6 जुलाई 2021 पिछले साल इन्होंने कहा सी तो उही करना है। हुण क्राइटीरिया की सी वह क्राइटीरिया यह सी भी जिहड़ी तुहाडी ग्रैजुएशन है वह 27 जुलाई 2021 तक कंप्लीट होनी चाहिए है योर ग्रैजुएशन मस्ट बी कंप्लीटेड फॉर्म 27th of July 2021। तो इस बारी जे कोई बच्चा न्यू फॉर्म भरना चाहता है बट वह बच्चा 2022 दे विच ग्रैजुएट होया तो वह बच्चा फॉर्म नहीं भर सकता। तो यह थोड़ा जहा कह जरा गल है वो डिसअर्टेंट है कि जोड़ा बच्चा 2022 च ग्रैजुएट हो चुका वो बच्चा जोड़ा है फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि उही बच्चा फॉर्म अप्लाई कर सकता जो 27 जुलाई 2021 ग्रैजुएशन पूरी हो चुकी है ये दसिया तो इन्होंने डिटेल भी दसी है ये देखो ध्यान ना इस लिखे इन्होंने कि मिति 6 जुलाई 2021 दसिया कि थोड़ी जी योग्यता है वो 27 जुलाई 2021 हिसाब में होनी चाहिए है। तो दोस्तों हम सू समझ आया
तीन तरह के बच्चे, पुराने बच्चे कुछ नहीं चेंजेस करना, कुछ नहीं करना, चुपचाप तैयारी करो, जबरदस्त तैयारी करो, जो लागे तैयारी करो तो इस बार अफसर लगना ही लगना। दूसरे वो बच्चे अप्लाई करते पिछली बार, चेंजेस करना चाहते हैं, न्यू फीस न्यू फॉर्म, ठीक है जी। तीसरे बच्चे पिछली बार अप्लाई नहीं किया, अप्लाई करना है, अप्लाई करो, तैयारी है, हो तैयारी खिंच के रखनी है, ठीक है, अप्लाई कर सकते हो, बट ग्रेजुएशन स्थाई जुलाई 2021 तक। हम वेटरन अकैडमी नवे बैचेज लेके आई है वास्ते और बहुत ही जबरदस्त असी जो है वो अपने बैचेज लेके आए हैं, बहुत ही रिफाइंड सोच समझ के बैचेज है। न्यू बैच तैयार कर रहे हैं असी, साढ़ा एक तो है ऑफलाइन बैच, जो बच्चे दूर रहेंगे है उन्होंने वास्ते भी एक ऑनलाइन बैच आएगा, उस तो अगली स्लाइड है, तो इस करके उन्होंने घबरा के अच्छी साढ़े ऑफलाइन बैच है सर, ऑफलाइन बैच स्टार्ट किया, बैच स्टार्ट कर रहे हैं अभी 18 अगस्त तो स्टार्ट कर रहे हैं, जो 22 अगस्त तो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। टाइमिंग्स बैच दें कि 2:30 PM to 6 PM, ठीक है जी। तो मोस्ट प्रोबली यह 4 घंटे थोड़ी क्लास होया करेगी, ठीक है जी। एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम बहुत नेड़े है, वी हैव ओनली अब मैक्सिमम टू मैक्सिमम वी हैव 60 डेज, तो अपने को मैक्सिमम 60 डेज है, तो यह उस हिसाब न ही बैच तैयार शुरू कराया जाएगा, ताकि जल्दी से जल्दी जी है वो एक बहुत अच्छे तरीके नाल, मतलब जिन्हें फॉर एग्जाम्पल एग्जाम ओरिएंटेड मतलब की है कि तब आप पूरी पॉलिटी पढ़ते हैं, ठीक है, तो पूरी पॉलिटी पर पढ़ेंगे, बट जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है उनमें से ज़्यादा फोकस करेंगे, जो इंग्लिश इंपॉर्टेंट उन्हें घट फोकस करेंगे। हर सब्जेक्ट मैथ है 20 चैप्टर है, तो ये सारी उन्हें पढ़ी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप उन्होंने चैप्टर फोकस करेंगे जिन तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज मिनिमम एग्जाम ओरिएंटेड, ऑल बुक्स स्टडी मटीरियल, ठीक है, सारे का सारे करंट अफेयर्स, ठीक है, इवन के मॉक टेस्ट तो अलावा साढ़े जो इंडिविजुअल टेस्ट है, इंडिविजुअल टॉपिक वाइज टेस्ट वो भी विच इंक्लूड ने, ठीक है जी। तो हूँ दोस्तों आई गल फीस, सर फीस किनी है यार, बहुत जैनुअन फीस रखी है असी, ओनली 99 99, कहना मतलब 10,000 थोड़ी फीस है सिर्फ, ठीक है जी। तो 10,000 सारी असं बुक्स देवे, 8 से 10 तक किताबा ही हैं, हम तुम आप एक कोर्स लाओ की है, ठीक है सुनू, फिर सारे मॉक टेस्ट बिच है, तो यार ये पूरी जो टीचर है ना, दे विल गिव यू मतलब दे बेस्ट, तुम तैयारी करना बनी है तो उन्होंने सुनू पूरी कली चीज़ की तैयारी करा देनी है, ठीक है ना, इंक्लूडिंग मी, ठीक है। उस तो बाद गल है कि सर ऑनलाइन बच्चे ने की है, ठीक है ना, फिर दस ऑफलाइन बैच है, ठीक है, सारी डिटेल है। हूँ जो बच्चे है कि ऑनलाइन, हूँ असं ऑनलाइन लैके आए हैं रिकॉर्डेड बैच, रिकॉर्डेड वीडियो कॉर्स और यू कैन से रिकॉर्डेड बैच, क्यों, क्योंकि जो बच्चे दूर रहेंगे है उन्होंने है कि सर असं किमें तैयारी करेंगे, ऑनलाइन नैटवर्क का इशू रहा है, कदम कदम लाइव क्लास के इशू रहा है, क्लाइज लाइव क्लास नैटवर्क नहीं रहा, तो असं किया कि पूरी रिकॉर्डेड बैच देवे उन्होंने, और सबजैक्ट्स कवर किए जाएंगे, चाहे वो GS के, चाहे थोड़ा पॉलिटी है, चाहे थोड़ा इकनोमिक्स है, चाहे थोड़ा हिस्टरी है, चाहे थोड़ा जोग्राफी है, चाहे थोड़ा इनवायरमेंट है, चाहे ईवन साइंस है, और ईवन स्टैटिक GK भी कराई जाएगी, स्टैटिक GK की वीडियोज भी है, तो ऑल पॉलिटी इकनॉमिक्स हिस्ट्री ज्योग्राफी इन्वायरमेंट साइंस स्टैटिक GK, फिर पूरा मैथ रीजनिंग इंग्लिश पंजाब GK, कहना मतलब जो सिलेबस के विच है ईच एंड एवरी सिंगल पॉइंट। और दोस्तों ये बिल्कुल जो वीडियोज है ना, ये नहीं कि कोई पिछले साल के वीडियोज है, दीज आर द लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोज जो कि नवी अभी बनाई है बिल्कुल अपने फ्रैश बच्चों वास्ते, ताकि बच्चों को कितने भी इधर उधर भटकन की लड़ ना पवे। सारे सोनू कंसीडर कराए जाएंगे, ठीक है जी, बेस्ट क्वालिटी, दोस्तों आई अश्योरेंस यू अबाउट दिस कि दिस आर बेस्ट क्वालिटी वीडियोस, और सोनू खुद भी तो तुम देखोगे पढ़ोगे समझ आएगा कि हाँ मतलब बिल्कुल मजा आएगा सोनू पढ़ के, ठीक है जी। 3 डेज का तुम डेमो ले सकते हो, ये तुम सू कॉल करो साढ़े नंबर के उपर, मैं सोनू अगे भी डिटेल दूंगा, 9041041024 के उपर सू कॉल करो, सू कॉल करके गल करो कि सर असी मैं बैच लैना जी, 3 दिन सू डेमो देवे, 3 दिन डेमो के सारी वीडियोज जो है चैक कर सकते हो, ऑल वीडियोज यू कैन चैक, सारी वीडियो चैक करने तो बाद परचेज कर सकते हो। अच्छा कोई ऐसी बंदिश नहीं लाई कि किन्ने बार व्यूज देखने, तुम्हें एक चैप्टर नहीं समझ आया दूजी बार देखो तीजी बार देखो, समझ आया तुम्हें गल, ठीक जिन्नी मर्जी बार देख सकते हो। हूँ सर गल फीस किन्नी होएगी, दोस्तों वेरी 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 रीजनेबल फीस, ओनली 5100 दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 5100 की असी जी है वो फीस रखी है ऑफलाइन रिकॉर्डेड बैच की। दोस्तों मैं सोनू ये श्योर करदा कि सोनू
बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट, मैं मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि परफेक्ट है ना, चंगा लगता, मतलब वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस, मतलब ये मतलब सब बहुत मजा आएगा कि पूरी डिटेल में हर चीज़ डिस्कस की गई है। ठीक है दोस्तों, ये तुम ज्वाइन कर सकते हो। उस तो बात की है दोस्तों, सिलेबस की है, देखो दो शिफ्ट दो पेपर है। पेपर वन दे विच की है जनरल अवेयरनेस है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी होगी है ना, लोकल गवर्नमेंट हिस्ट्री होगी, इकॉनमी होगी, ज्योग्राफी होगी, एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है जी, ये 50 नंबर आएगा। उस तो बाद मैथ हो गया पूरे का पूरा, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, टाइम एंड वर्क मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस इक्वेशंस, नंबर रिलेशंस, 3 मार्क्स का ये आएगा। तो 20 नंबर आएगी पंजाबी लैंग्वेज, ठीक है जी, अखान मुहावरे नाम परनाम सिनोनिम एंटोनियम 20 नंबर आएगा। तो 100 नंबर का ये बन गया अपना पेपर। उस तो बाद दोस्तों फिर एक 400 मार्क्स का पेपर है जिस विच क्वेश्चंस हो ही जाने हैं, बट 400 मार्क्स का पेपर है। ये विच की है 50 नंबर की लॉजिकल रीजनिंग है, सारी सारी रीजनिंग है, कोई ज़्यादा वरी करने वाली गल नहीं। कंप्यूटर है 30 नंबर का, तो 20 नंबर की इंग्लिश लैंग्वेज है, तो ये भी 100 नंबर बन के 100 क्वेश्चन बन गया। ठीक है जी दोस्तों, तो उस तो बाद जरा ये पुराना ही है, ठीक है कंप्यूटर बेस्ड, बट कंप्यूटर बेस्ड नहीं होएगा पेपर, इस वजह है सोडा की होएगा, जो पेपर इज ऑफलाइन जरा सोडा है पेपर लिया जाएगा। ठीक है तो मैं उस तो बाद की भी चीज़ है। हाँ जी हूँ थोड़ी जी ध्यान में सुनिए, बच्चों ने नवे अप्लाई करना है। देखो जे तो अप्लाई करना है सब इंस्पैक्टर डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर के, कोई दिक्कत नहीं है, तुम सिंपल ग्रेजुएट होने चाहिए हो। ठीक है जे तुम सब इंस्पैक्टर आर्म्ड पुलिस करना है तो भी थोड़ी सिंपल ग्रेजुएशन है, जे तुम इन्वैसटीगेशन कैडर है तो भी थोड़ी ग्रेजुएशन है, बट जे तुम इंटैलीजेंस ऑफिसर दियाँ करना है इंटैलीजेंस, तो दोस्तों तुम ग्रेजुएट होने चाहिए हो। प्लस ध्यान सुनो सोडे गोले ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए आई टी का, ठीक है जरा कि डॉइक दिता है, जा जे सर मैं ग्रेजुएट हूँ बट मेरे को सर्टिफिकेट नहीं है, जा की है जा तुसी बी सी की हो, ठीक है ना कंप्यूटर साइंस, ठीक है ना बी एस सी कंप्यूटर साइंस चलेगा, बी सी ए चलेगा, देखो लिखा ना देखो सारा कुछ, ठीक है ना आई टी वाला देखो बी एस सी बी टेक इन आई टी कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग सारा दसता है, बी सी ए सॉफ्टवेयर छोटा आए ताकि इंटेलीजेंस ऑफिसर वाला पेपर ज़्यादा फिल कर सकते हो। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है दोस्तों पता ही होना चाहिए 560 है वैसे। अच्छा हम गल सर फीस जनरल कैटागरी की एप्लीकेशन 700 एग्जामीनेशन 800 1500 फीस है जी, एक्स सर्विसमैन, ठीक है जी सिर्फ पंजाब स्टेट से ध्यान रखना, एक्स सर्विसमैन कह रहे हैं पंजाब स्टेट ओनली, दिस इज 700, एस सी एस टी 900 ऑफ ऑल स्टेट्स एंड बैकवर्ड क्लासेज ऑफ पंजाब स्टेट, हम ध्यान देखो एस सी एस टी तो सारे स्टेट से चलेंगे बट बैकवर्ड क्लासेज ओनली पंजाब शेयर दिया, उन्होंने फीस 900 है, इकोनॉमिक क्लिफिकेशन की फीस 900 है। ठीक है जी हूँ दोस्तों आया जोड़ा है फिजिकल स्टैंडर्ड्स की है, जोड़े भी बच्चे ने अप्लाई करना है डिफरेंट कैडर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की है, मेल की हाइट चाहिए 5'7" तो फीमेल की चाहिए 5'2". सिमिलरली आर्म्ड पुलिस भी मेल की 5'7" तो फीमेल की 5'2". बट जो इन्वैसटीगेशन है तो जोड़ी हाइट घट भी है 5'5" भी चलेगी तो फीमेल की 5'1", मतलब मेल की 5'5" 2" इतने फर्क पै गया 1" इतने फर्क पै गया। सिमिलरली इंटेलीजेंस कैडर 5'5" मेल 5'1" फीमेल, ठीक है जी ये है। हम दोस्तों सिलेक्शन प्रोसैस की है, हम देखो पिछली बार की जी नोटिफिकेशन है इस लिखा हुआ है कि स्टेज वन के कंप्यूटर बेस्ड, बट ये तो चीज़ इस बार कैंसल होगी, तो स्टेज वन के होएगा सोडा जो रिटर्न ऑब्जेक्टिव एग्जाम होएगा, तो स्टेज वन के होना बेटा रिटर्न ऑब्जेक्टिव एग्जाम होएगा, फिर सैकेंड की होगा थोड़ा यही होएगा थोड़ी डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होएगी, ठीक है ना। थर्ड इज थोड़ी फिजिकल मेजरमेंट की जाएगी और फिर थोड़ा फिजिकल जरा है और टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है जी। और बहुत क्लियरली लिखा है कि जो भी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है तो फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट है वो सारे सारे की होंगे क्वालिफाइंग इन नेचर होंगे, की होंगे क्वालिफाइंग, मतलब इन्होंने कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, कहना मतलब जो तुम कोई रेस बहुत जल्दी भी पार कर लेने हो बहुत जल्दी भी कर लें तो भी कोई नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलने, क्वालिफाइंग नेचर ही है। हुन की है जी ये सारा क्राइटेरिया दस्या हुआ दोस्तों कि मेल कैंडिडेट वास्ते 1600 मीटर करना है 7 मिनटों के, ठीक है जी एक चांस दिता जाएगा, लोंग जंप 3.5 मीटर का 3 चांस दिए जाएंगे, हाई जंप 1.10 मीटर का 3 चांस दिए जाएंगे, ठीक है जी। तो जे एक्स सर्विसमैन है ठीक है 35 तक है तो 1400 मीटर है, 10 सिटअप्स विद इन 2 मिनट्स, ठीक है जी।
तो ये सारी डिटेल दिखाई हुई ने, ठीक है ना, कि किन्ना 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 कवर करना है, ठीक है। इस अपनी फिजिकल की तैयारी भी खिंच के रखना है, ठीक है ना। सो तैयारी को बैलेंस करना है, क्योंकि फिजिकल क्वालिफाइंग नेचर है। तो यही नहीं है कि फिजिकल बहुत घंटे भी कर लेंगे तो नंबर ज़्यादा मिलेंगे। तो फिजिकल एज वेल जो रिटन एग्जाम है वो दोनों बैलेंस करके चलना आप, ठीक है दोस्तों। तो बहुत बहुत छोटा धन्यवाद, तुम वीडियो देखी तो अपने सब दोस्तों तक शेयर करो यार। तो जिन्हें भी यार मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट्स हैं, मैं सारे स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्हें भी मेरे रविंद्र सर के पुराने स्टूडेंट्स हैं, कि सारे बच्चे सारी वीडियोज़ में अगे तक पहुँचाओ, ताकि सब बच्चों को पता चले, ठीक है, कि वेटरन्स अकैडमी जी है और बच्चों वास्ते कितनी ज़्यादा मेहनत करती है, तो कितनी सू जी असं तैयारी कराने। जिन्हें सारे बच्चे ऑलरेडी बच्चे सारे को पढ़ रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, आके बच्चों ने डिस्कस करो कि कितनी उन्होंने मेहनत कराई जाती है, किमें कल कल बच्चों ने जाकर डिस्कस किया जाता है। जो बच्चा डीमोटिवेट है तो उन्होंने किमें मोटिवेट करना है, जिस नॉट ओनली कि बच्चों को पढ़ाई जाना पढ़ाई जाना पढ़ाई जाना, कभी पढ़ाने की गल नहीं है, उन्होंने फिर उन्होंने मैंटली भी उन्होंने मोटिवेट करना है। उन्होंने हर वक्त को भी देखो, किसी ने बच्चा बहुत बूम से होंगे बच्चों लगता कि मैं बहुत, किसी ने बच्चा डीमोटिवेट भी होंगे, तो हर टाइम बच्चे के नाल रहना जब तक बच्चे की नौकरी नहीं लगती है, ठीक है दोस्तों। बस हम सा एड्रेस दसदा, वेटरन्स अकैडमी SCF नंबर 13 फेज 7 मोहाली। तुसी फिजिकली आओ, ठीक है। वैसे भी तुसी कोई गाइडेंस लेनी है किसी भी पेपर रिगार्डिंग, कोचिंग लेनी है नहीं लेनी है तो बहुत बाद की गल है। तुसी एक एस्पिरेंट हो जो कि नौकरी करना नौकरी लेना चाहते हो, सो नु किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट है, वी आर ऑलवेज विद यू। वेटरन अकैडमी ऑलवेज स्टैंड्स विद यू, ठीक है। साडा कॉन्टैक्ट नंबर है 9041041024, ठीक है दोस्तों। बैचेस मैं दस चुका हाँ, ऑफलाइन बैचेस असं स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स है साढ़े को, ठीक है। जो सूँ सूट करता है तुम करो, क्वालिटी दोनों बिल्कुल ही एट पार इक्वल क्वालिटी, ठीक है जी दोस्तों। बहुत बहुत थोड़ा धन्यवाद, ठीक है जी। इस गल कहते मैं धन्यवाद, थैंक यू।